तो फ्रेंड्स, एक बहुत अच्छा रिक्रूटमेंट निकल कर आ रहा है आईटीआई और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए, ठीक है। उससे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि भाई जो भी मेरे भाई नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि कोई भी टेक्निकल जॉब का अपडेट किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से जारी होता है भाई आईटीआई 10th पास और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए, तो उसकी इन्फॉर्मेशन अपने भाइयों तक सबसे पहले पहुँचा पाऊँ। तो फ्रेंड्स, फाइनली सी डेक की तरफ से एक रिक्वायरमेंट निकल कर आ रहा है। अगर मैं इसके बात करूँ हिंदी नाम की, तो प्रगर संगणन विकास केंद्र सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग, ये जो है ये संस्था है। और अगर मैं बात करूं भाई इसमें क्या नंबर ऑफ पोस्ट निकल कर आ रही है, कौन कौन से स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, तो ये जो है हम जानकारी सारा कुछ जो है आगे चल के जानेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसमें अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ पोस्ट की, तो टेक्निकल असिस्टेंट की इसमें पोस्ट है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 7 है, जिसमें UR की 2 पोस्ट है, SC की 1 पोस्ट है, OBC की जो है 2 पोस्ट है, EWS की 2 पोस्ट है। और पे लेवल जो है आपका इसमें 6 सैलरी रहने वाला है, ठीक है। अपर एज लिमिट आपकी 35 ईयर जो है आपकी अधिकतम आयु रखी गई है, अपर एज लिमिट आपकी रखी गई है, ठीक है। अब इसमें जो दूसरी पोस्ट है वो MSS ग्रेड 3 MTS B4 की है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ 7 है, जिसमें UR की 5 पोस्ट है, SC की 1 पोस्ट है, EWS की 1 पोस्ट है, ठीक है। इसमें आपका लेवल 4 का सैलरी रहने वाला है भाई। अपर एज लिमिट की बात करें तो 30 साल आपकी जो अधिकतम आयु रखी गई है। अब MSS ग्रेड 2 MTS B5 की इसमें जो है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 4 निकल कर आ रही है, जिसमें जनरल की 3 पोस्ट है, OBC की 1 पोस्ट है। अगर इसमें लेवल की बात करूं तो भाई लेवल 2 की आपकी इसमें सैलरी रहने वाली है, जो कि काफ़ी अच्छी सैलरी है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसमें अपर एज लिमिट आपका 30 साल आपकी अधिकतम आयु रखी गई है, ठीक है। अब ये जो है रिक्वायरमेंट ये रेगुलर बेसिस पे है, ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट जॉब नहीं है, ठीक है, परमानेंट आपकी जॉब रहने वाली है। अगर मैं इसके लोकेशन की बात करूं तो तिरुवनंतपुरम जो है आपकी इसमें लोकेशन रहने वाली है, ठीक है। फ्रेंड्स, बाकी कोई इशू नहीं आएगा भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो बाकी रहने का कोई इशू नहीं है, ठीक है, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो, ठीक है। तो अभी अगर मैं बात करूं भाई टेक्निकल असिस्टेंट की, तो इसमें फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग 3 ईयर का इसमें आपके पास जो है आप डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए, और 3 ईयर का ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस आपका रिलेवेंट ट्रेड में होना चाहिए, ठीक है। तो आपकी फील्ड में 3 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से आपका जो है डिप्लोमा यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। बाकी जो है इसमें एक्सपीरियंस को मेंशन किया गया है। अब अगर अदर देखें तो भाई टेक्निकल असिस्टेंट की इसमें है, बाकी इसमें अगर मैं मानूँ तो इसमें भी फर्स्ट क्लास डिप्लोमा आपका कंप्लीट होना चाहिए, और कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ आपका डिप्लोमा होना चाहिए, प्लस 3 ईयर आपके पास जो यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए, ये भी मेंशन किया गया है भाई। आप देख लीजिएगा किस किस जो है इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग। बाकी टेक्निकल असिस्टेंट की बात करूँ तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से आपका डिप्लोमा होना चाहिए, इसमें भी 3 ईयर का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। अब टेक्निकल असिस्टेंट की बात करूँ, इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आपका डिप्लोमा होना चाहिए, प्लस 3 ईयर का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। फ्रेंड्स, ऐसी वैकेंसियों में कंपटीशन बहुत कम रहता है, बिकॉज क्या होता है भाई कि लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं होता है, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि भाई अगर आप कहीं भी वर्क कर रहे हैं भाई, कोई भी प्राइवेट इंडस्ट्री में यदि आप वर्क कर रहे हैं आफ्टर अगर मैं बात करूँ तो डिप्लोमा या फिर ITI, तो भाई वो चीज़ जो है आपकी व्यर्थ नहीं जाना। रीज़न क्या है कि आप कहीं भी अगर वर्क कर रहे हैं तो आपको नॉलेज हो रहा है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि भाई आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो वो ऐसी जगह पर काम आता है जहाँ पर कंपटीशन बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी मैं आपको क्लियर करूँगा। अब अगर मैं बात करूँ MSS ग्रेड 3, इसमें जो है ITI वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी देखो बहुत सी चीज़ें आपको दी गई हैं। इसमें लेवल 4 की आपकी सैलरी रहने वाली है, नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, और आपके पास इसमें ITI होना चाहिए वेल्डर से, प्लस इसमें आपके पास 3 ईयर जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो बहुत ही कम स्टूडेंट हैं जिनके पास 3 ईयर एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। इसमें फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, तो वो मैं आगे बताऊंगा। तो इसका पे ग्रेड भी काफ़ी अच्छा है। अब इसमें बात करूं भाई सेकंड जो है इसमें आपके पास होना चाहिए ITI इलेक्ट्रॉनिक्स MRTV के साथ आपका जो है इसमें ITI होना चाहिए, इसमें भी विथ 3 ईयर आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से। यदि आप डिप्लोमा हैं और आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, देन तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। यदि आपके पास डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से विथ मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, और आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है आपकी जो है रिलेवेंट फील्ड में, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब आगे अगर मैं बात करूं तो इसमें ITI फिल्टर ट्रेड से आपका जो है पास आउट होना चाहिए, और आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी इसमें होना चाहिए। फिल्टर ट्रेड वालों की मैं बात कर रहा हूं भाई, ये जो है इसमें अगर मैं बात करूं तो भाई लेवल 4 की आपकी सैलरी रहने वाली, जो ITI स्टूडेंट के लिए बहुत जो है अच्छी सैलरी मानी जाती है, ठीक है।
अब आगे अगर मैं बात करूं भाई, इसमें मैकेनिकल फिटर से भी इसमें आपके पास ITI होना चाहिए, NCVT ट्रेड से, और आपके पास 3 ईयर का इसमें जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब आगे और मैं बात करूं भाई, तो इसमें डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग मिनिमम 50% मार्क्स के साथ आपका सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा होना चाहिए, और आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब और आगे भाई मैं बात करूं तो इसमें ITI इलेक्ट्रॉनिक्स से होना चाहिए, और आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारा जो है पोस्टों को बताया गया। अब ये जो पोस्ट है भाई, इसमें फ्रेशर स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकता है, यदि आप केवल ITI की हो देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपकी एज लिमिट मैंने बता दिया भाई, 30 साल अपर एज लिमिट रखी गई है। लेवल 2 का आपका इसमें सैलरी रहने वाला है, नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। इसमें आपके पास ट्रेड सर्टिफिकेट NCVT से आपका ITI पास आउट होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स MRTV से। ठीक है, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब बात करूँ भाई मैकेनिकल इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, आपका जो है इसमें ITI पास आउट होना चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, फ्रेशर ITI वाले। ठीक है, अब इसमें आपके पास यदि ITI फिटर से है, अगली अगर मैं बात करूँ तो इसमें लेवल 2 की सैलरी है, और इसमें यदि आप ITI फिटर ट्रेड से पास हो देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, फिटर ट्रेड वाले भी जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब नंबर ऑफ पोस्ट फ्रेंड्स काफ़ी कम है, लेकिन देखो भाई परमानेंट जॉब है, यदि आप अप्लाई कर सकते हो तो आप ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो इसमें जो है नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, और फिटर ट्रेड से यदि आप ITI पास आउट है देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब AC मैकेनिक से यदि आप ITI पास आउट हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो ये ही जो है पोस्ट निकल कर आ रही है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको अप्लाई जो करना है वो आपका पूरा ऑनलाइन प्रोसेस अप्लाई करना है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, वीडियो के नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अप्लाई करने की, और आप वहां से अप्लाई करिएगा। अब इसके अप्लाई करने की अगर डेट की मैं मानूं तो भाई 16 मार्च 2022 से आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, 17 अप्रैल 2022 तक जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब बाकी अगर मैं बात करूं तो भाई इसमें आपको सही से सारी चीज़ें जो है फिल करनी है, अपनी फ़ोटो वगैरह सही से आपको लगाना है। ठीक है, जिस साइज़ में भी मांगे आपको उस साइज़ में अपलोड करना है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करूं तो नॉन रिफंडेबल आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी, 295 रुपीज़ आपकी फ़ीस रहेगी, जिसमें 18% आपका GST इंक्लूड होगा। ठीक है, अब इसको जो आपको जब आप फीस पे करोगे तो वो जो है आपको इसमें अकाउंट नंबर दिया गया है उस संस्था का, और IFSC कोड दिया गया है, ये जो है इसके थ्रू आपको यहाँ पर पेमेंट करना है। ठीक है, जब आप फॉर्म फिल करोगे देन आपको उसमें जो है सारा कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये जो है सारा जो अकाउंट नंबर IFSC कोड दिया है, इसी के माध्यम से आपको वहाँ पर फीस पे करना है। ठीक है, जो भी आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग लग रही है। अब अगर मैं आगे बात करूँ तो मैंने आपको लास्ट डेट बता दी भाई, 17 अप्रैल 2022 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन, यहीं से आप जो है आपको जो है अप्लाई करना है, तो मैंने बता दिया है, वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और बाकी अप्लाई करने की भी, तो आप वहां से जाकर जो है ईजिली अप्लाई कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब यही अपडेट मुझे देना था। अच्छा रिक्वायरमेंट है, जो भी मेरे भाई एलिजिबल हैं वो ज़रूर अप्लाई करना। तो फ्रेंड्स, अगर और भी कोई अपडेट निकल के आता है भाई 10th पास ITI डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए, तो उसकी अपडेट मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा। नया है वो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, जय हिंद एंड बाय बाय।